वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चे नमस्कार, NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है मीटर सेतु क्या है, अर्थात आज हम बात करेंगे मीटर सेतु के ऊपर कि मीटर सेतु होता है क्या है और इसका कैसे और कहां पर उपयोग होता है। तो देखिए, मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। अर्थात हम बात करेंगे कि जो मीटर सेतु होता है उस मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो एक विधि का हमको वर्णन करना है वो किन किन बिंदु पर। तो देखिए, वो बिंदु है हमारे, नंबर एक नामांकित चित्र। तो सबसे पहले हम मीटर सेतु का चित्र बनाएंगे, फिर उपकरण का वर्णन, जो चित्र बनाएंगे उसका वर्णन भी करेंगे, फिर उसका नंबर थर्ड जो है सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना, फिर जो मीटर सेतु है उसका सिद्धांत क्या है एवं उसका फार्मूला क्या है, फिर हम उसकी एक प्रेक्षण सारणी बनाएंगे और लास्ट में हम देखेंगे सावधानियाँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मीटर सेतु की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर सेतु, तो बात करते हैं मीटर सेतु की। और जो मीटर सेतु होता है ये विहित स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है और हम मीटर सेतु की सहायता से ही किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यह विहित स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, अर्थात जो मीटर सेतु जो है ये विहित स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। आगे लिखा है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि हम मीटर सेतु से क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास चालक है उसका हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो चालक है हमारे पास वो किस पदार्थ है उस पदार्थ का हम विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं मीटर सेतु की सहायता से। तो ये है डेफिनेशन या परिभाषा मीटर सेतु की। अब हम बात करेंगे मीटर सेतु के नामांकित चित्र की। तो देखिए, मीटर सेतु का नामांकित चित्र कैसे बनता है, तो ये देखिए हमारे पास एक नामांकित चित्र जो हमने बनाया था, तो ये जो नामांकित चित्र है ये एक मीटर सेतु का नामांकित चित्र है। तो हम इसमें रीड आउट करेंगे कि इस चित्र के अंदर क्या है और किस उपकरण का उपयोग कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि ये एक आपको इसके अंदर एक स्केल दिख रही है जिसमें जीरो से लगाकर 100 सेंटीमीटर तक जीरो से लगाकर 100 तक नंबर इस स्केल के ऊपर अंकित है। तो ये जो स्केल है ये मैग्नीज का बना हुआ एक समान अनुप्रस्थ कांट का 1 मीटर लंबा तार होता है, ये इसको स्केल बोल सकते हैं। तो ये जो स्केल है काई की बनी हुई है, मैग्नीज की बनी हुई है और एक समान अनुप्रस्थ कांट का 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। ये हमने बात की थी इस स्केल की। अब ये जो स्केल है ये स्केल किसके ऊपर टिका हुआ है या किससे जुड़ा हुआ है, ये दो पित्तल के आपको पत्ते दिख रही हो AM और CY। तो ये स्केल जो है इस पर कसा हुआ है दो पित्तल की मोटी पत्तियों AM और CY के बीच एक तख्ते पर कसा हुआ है। देखिए यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के ऊपर ये कसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं कि ये जो स्केल है 1 मीटर की है जिसमें 100 सेंटीमीटर जीरो से लगाकर 100 तक अंक अंकित रहते हैं, जो सेंटीमीटर होते हैं जो एक जीरो से लगाकर 100 सेंटीमीटर तक होता है लंबा, इसीलिए हम इसको 1 मीटर स्केल लंबी होने के कारण इसको मीटर सेतु का नाम दिया गया है या मीटर सेतु इसको कहते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबा तार या 1 सेंटीमीटर स्केल होने के कारण ही
इसको हम मीटर सेतु कहते हैं। अब AM और CY जो पित्तल की दो मोटी जो पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों के मध्य एक और पित्तल की मोटी पतली पत्ती होती है जिसको NX नाम दिया हमने। ये भी जो है इन दोनों पत्तियों के मध्य जुड़ी हुई है पित्तल की पत्ती है जिसका नाम है NX। और इसी पत्ती के मध्य से एक गैल्वेनोमीटर G जिसको अपन धारा मापी कहते हैं, ये यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है और इस स्केल पर ये गैल्वेनोमीटर चलता है जिसे अपन रीडिंग नोट करते हैं। तो ठीक है, इस पत्ती डिश के माध्यम से अपन क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को हम जोड़ देते हैं। बिंदु A और बिंदु C के मध्य हम और क्या कर सकते हैं, तो हमने A और C के मध्य एक सेल E तथा एक कुंजी K भी जोड़ दिया जिससे C से धारा प्रवाहित होगी और कुंजी K जो है धारा को या बट इसको ऑन ऑफ करने के लिए काम आती है। इसमें एक प्रतिरोध R है, दूसरा प्रतिरोध S है, एक प्रतिरोध P है और एक प्रतिरोध Q है, यानी कि इसके अंदर भी चार प्रतिरोध हमने लिए हैं R, S, P, Q। ये चार प्रतिरोध हमने मीटर सेतु के ऊपर रखे हुए हैं। तो इस प्रकार हमने अभी ये चित्र का वर्णन किया है। तो हम आते हैं हमारे आज के अगले पॉइंट के ऊपर, पॉइंट जो है अगला सेकेंड, उपकरण का वर्णन। तो इस प्रकार हमने अगला टॉपिक लिया है उपकरण का वर्णन। तो देखिए किस प्रकार उपकरण का हम वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले देखते इसमें मैग्नीज का बना हुआ समान अनुप्रस्थ कांट वाला एक मीटर लंबा तार होता है। तो चित्रम देखिए, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये मैग्नीज का बना हुआ एक समान अनुप्रस्थ कांट वाला एक मीटर लंबा तार होता है। तो देखिए यहाँ इस पर जीरो से लगाकर 100 तक चिन्ह भी अंकित है सेंटीमीटर में, इसलिए इसको एक मीटर कहते हैं। जो पित्तल की दो मोटी पत्तियों AM तथा CY के बीच लकड़ी के एक तख्ते पर कसा होता है। तो देखिए यहाँ पर पित्तल की दो मोटी पित्तल की पत्तियाँ AM CY, ये देखो ये पित्तल की लकड़ी आती, यहाँ से एक मीटर तार जो है ये इन दोनों पत्तियों के मध्य लकड़ी के तख्ते पर ये कसा हुआ है। आगे लिखा है, एक मीटर लंबा तार होने के कारण ही इसे मीटर सेतु कहते हैं। तो चित्र में देखिएगा, ये तार यहाँ से शुरू हो के दोनों लकड़ियों के पित्तल की जो बनी होती है इनके मध्य कसा हुआ रहता है, ये एक मीटर लंबा है इसीलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं। आगे लिखा है, इसके मध्य एक पैमाना लगा होता है जिस पर 0 से 100 सेंटीमीटर तक चिन्ह अंकित होते हैं। तो देखिए ये तार जो एक मीटर लंबा है इसके जस्ट ऊपर एक पैमाना है, ठीक है, ये पैमाना दिख रहा है आपको, ये पैमाना जो है जिस पर 0 से लगाकर 100 नंबर तक चिन्ह अंकित होते हैं, तो ये पैमाना भी इस तार के समान ही लंबाई का है। आगे देखते हैं, AM तथा CY के बीच एक और पित्तल की मोटी पत्ती NX होती है। तो चित्र में देखिए, ये AM है और ये CY, ये पित्तल की दोनों लकड़ियों के मध्य एक और पित्तल की मोटी लकड़ी होती है जिसको हम नाम दिया NX। आगे लिखा है, जिसके मध्य बिंदु D पर गैल्वेनोमीटर जिसको अपन बोल सकते हैं धारामापी जोड़ा जाता है। तो देखिए जो पित्तल की NX जो पत्ती होती है मोटी पत्ती, इसके मध्य बिंदु पर हमने एक D बिंदु लिया है, इस D बिंदु से हमने एक ये गैल्वेनोमीटर G जोड़ा है जिसको हम धारामापी भी कहते हैं और इसका कनेक्ट हमने इस स्केल के ऊपर किया है जहाँ से रीडिंग हम नोट करते हैं। आगे लिखा है, A व C के मध्य एक सेल E तथा एक कुंजी K को जोड़ते हैं। तो देखिए चित्र के अंदर ये A
और सी के मध्य हमने क्या जोड़ा है, एक बैटरी या सेल ई को जोड़ा है, इसका धन सिरा, इसका ऋण सिरा, और इन्हीं के मध्य हमने एक कुंजी के को भी जोड़ा है। तो इस प्रकार हमने ये जो टॉपिक लिया था उपकरण का वर्णन, जो हमने आपको चित्र के माध्यम से इसको समझाया कि इस उपकरण या चित्र के अंदर हमने क्या क्या देखा है। अब हमारा अगला पॉइंट है जो थर्ड नंबर का है, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना, अर्थात हम मीटर सेतु का सिद्धांत अब देखेंगे और सूत्र की स्थापना भी करेंगे। तो देखिए इसमें हमने लिखा है, यदि तार एसी के भाग एबी का प्रतिरोध पी तथा भाग बीसी का प्रतिरोध क्यू हो तो। तो देखिए चित्र के अंदर कि तार एसी के भाग एबी का, तो देखिए तार जो है एसी, हमारे पास एक तार है एसी, इसका भाग एबी, ठीक है, जो एबी जो भाग है ये इस एसी तार का ही एक छोटा भाग है, ठीक है, एबी, इसका प्रतिरोध पी तथा भाग बीसी का प्रतिरोध क्यू। देखिए ए बी का प्रतिरोध हमने लिया है पी और बी सी का प्रतिरोध लिया हमने क्यू। ए बी और बी सी जो भाग है ये तार ए और सी के ही भाग है। आगे हमने लिखा है कि ए डी अर्थात एम एन के बीच का प्रतिरोध आर एवं सी डी, कोष्टक में लिखा है अर्थात एक्स वाई के बीच का प्रतिरोध एस होता है। तो देखिए चित्र के अंदर ए डी, देखिए ए से डी अर्थात हमने लिखा था यहाँ पर ए डी और कोष्टक में लिखा था अर्थात एम एन, तो देखिए ए डी और सीधे हम बात करें तो एम एन, ठीक है, जो एम एन जो आ रहा है इस ए डी के मध्य में ही, इनके बीच में ही आ रहा है। तो हमने लिखा है ए डी अर्थात एम एन के बीच का प्रतिरोध आर, तो देखिए ये ए डी और इनका भी बीच में एम एन, इनका प्रतिरोध लिया हमने आर, एवं सी डी अर्थात एक्स वाई, तो देखिए ये सी और डी, अब सी डी के ही बीच में या मध्य में एक्स वाई, इसका प्रतिरोध एस, तो लिखा हमने एवं सी डी अर्थात एक्स वाई के बीच का प्रतिरोध एस होता है। तो देखिए सी डी उनके बीच में एक्स वाई, इनका प्रतिरोध एस, एक बार और फिर से ए डी अर्थात एम एन इनका प्रतिरोध आर, सी डी अर्थात एक्स वाई इनका बीच का प्रतिरोध एस होता है। तो हमने आगे लिखा है कि इस प्रकार मीटर सेतु में चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं। तो देखिए चित्र में हमने अभी दिखाया था कि मीटर सेतु के अंदर चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, ये चारों प्रतिरोध मीटर सेतु के अंदर होते हैं। तो आगे हमने लिखा है तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत जी सॉरी सिद्धांत से, ठीक है, हमने लिखा है सिद्धांत से। तो हम जानते हैं कि जो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है, यदि चार प्रतिरोध होते हैं तो उनकी संगत प्रतिरोध समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर होंगे पी अपॉन में क्यू इक्वल होता है आर अपॉन में एस, ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है और ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और इसको हमने नाम दिया है समीकरण नंबर एक। तो हमने आगे लिखा है, माना बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी एल हो तो ए बी बराबर एल एक्स सेंटीमीटर, जहाँ एक्स तार ए सी का प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। तो इसको हम चित्र से समझेंगे, देखिए बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी एल हो, तो हमने क्या माना कि बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एल हो तो देखिए ए बी बराबर कितना बन जाएगा एल, और एक्स जो है जो हमने यहाँ पर इसको डिनोट किया है, जहाँ एक्स तार ए सी का प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, यानी कि जो हमारे पास ये तार जो ए सी है इसका प्रति सेंटीमीटर तार जो है ए सी उसका प्रतिरोध, उसको हमने माना एक्स, इसलिए जितनी भी लंबाई हम लेते हैं उसको हम एक्स के अंदर इंटू करते हैं। तो ए बी बराबर बन गया एल एक्स सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी और ए बी के बीच का प्रतिरोध कितना है पी, तो हम यहाँ लिख देंगे पी बराबर
एल एक्स सेंटीमीटर तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ए बी की जगह हमने लिख दिया पी, क्योंकि ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना है, पी। इसी प्रकार हम बी व सी के बिंदु के बीच की दूरी भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए बी और सी की बात करते हैं हम, तो बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी हमने अभी जस्ट देखा था कि ए बी के बीच की दूरी हमने एल लिया है, तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हम जानते हैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना है 100, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना है एल, तो ये कितना बचेगा 100 माइनस एल, यानी इस पूरे 100 में से हम ये एल को माइनस कर देंगे तो बी सी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो देखिए बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी यानी कि बी सी, और हमने अभी जस्ट बताया कितना होता है 100 माइनस एल, यानी कि 100 में से एल को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास बी सी, और एक्स यानी कि जो तार जो है उसका प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध, ठीक है, और बी सी यानी बी सी के बीच का प्रतिरोध कितना था क्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू इक्वल 100 माइनस एल इंटू एक्स, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q के जो मान है इसको हम समीकरण एक में रख देंगे P और Q की जगह पर। तो हमने यहाँ पर लिखा था समीकरण एक से, यानी कि बिंदु P और बिंदु Q के मान हम समीकरण एक में P और Q की जगह रखेंगे। तो देखिए मान रखने के बाद क्या बनेगा, तो P का जो मान आया हमारे पास L X और Q का जो मान आया हमारे पास 100 माइनस एल इंटू एक्स इक्वल में चल रहा है आर अपॉन में एस। देखिए यहाँ एक्स और एक्स दोनों सेम है तो हो गया कैंसिल, अब हमारे पास बचा है एल अपॉन 100 माइनस एल इक्वल आर अपॉन में एस, या हम इसको थोड़ा सा सीधे लिख देंगे तो हो जाएगा आर अपॉन में एस इक्वल एल अपॉन में 100 माइनस एल। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है जो मीटर सेतु का सूत्र है। तो यदि हमारे पास यहाँ से अगर दो प्रतिरोध किसी भी जो दिए गए इनमें दो प्रतिरोध के मान ज्ञात हो तो हम तीसरे प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक ये फार्मूला बन गया है, या हमारे पास इसी से हम एक और फार्मूला भी बना सकते हैं, यानी कि एस का मान निकाल, एस को हम यहाँ भेज देंगे और इन दोनों को 100 माइनस एल को यहाँ भेज देंगे और एल को इसको अपॉन में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा एस इक्वल आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन में एल। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला ये बन गया है, इसके माध्यम से भी हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और मीटर सेतु जो है इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका जो मात्रक होता है वो भी ओम ही होता है, इसलिए हमने इसका मात्रक भी लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमने ये मीटर सेतु के सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना की। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, ये अगले पॉइंट की प्रेक्षण सारणी। तो देखिए ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अगला, प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी में सिर्फ हमको एक सारणी बनानी है, उसमें हम रीडिंग इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ सारणी बना के उसको ऐसा ऐसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ सारणी ही पूछी जाती है, उसका रीडिंग नहीं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी एक प्रेक्षण सारणी है, हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बना है और 2 रो बना है, 1 और 2, ठीक है, ये रो है और ये 5 कॉलम है। पहले कॉलम में हमने लिखा है क्रमांक 1, 2, 3, 4, ठीक है। दूसरे कॉलम हम लिखेंगे ज्ञात प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है, हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे ज्ञात प्रतिरोध। तीसरे कॉलम में लिखेंगे हम सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी एल। तो देखिए जो सिरा जो ए है, यहाँ से जो बीच की दूरी ए से बीच के बीच में दूरी होती है, तो सिरे ए से संतुलन बिंदु यानी कि जो ये गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग यहाँ पर भी रुकेगा उसका हम बिंदु ए से यहाँ पर इसकी रीडिंग नोट करते हैं।
इसी प्रकार अगले कॉलम में सिरे सी से संतुलन बिंदु की दूरी 100 माइनस एल। तो देखिए यहाँ पर सिरे सी से, अब सी से हम यहाँ से इसकी रीडिंग नोट करते थे क्योंकि यहाँ से बी और सी के बीच की दूरी हमने लिया था 100 माइनस एल। तो जहाँ पर भी हम रीडिंग आएगी, ये तीर का निशान जहाँ पर रुकेगा उसके हिसाब से हम रीडिंग नोट करेंगे और इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। अगला एम लास्ट जो कॉलम है जो हमने फार्मूला अभी डिराइव किया था वो यहाँ पर हम लिखेंगे एस इक्वल आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन में एल। इस प्रकार ये हमारी सारणी कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर और अगला पॉइंट हमारा सावधानियाँ, इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट। तो देखिए सावधानियाँ, तो जब हम प्रेक्षण या लैब या प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है। तो देखिए जब मीटर से तो हम प्रेक्षण जो भी इसका प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो उस प्रकार से हमें क्या क्या सावधानियाँ वहाँ पर रखनी है। तो इसमें देखिए नंबर एक, प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्रतिरोध अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध है, जहाँ पर भी उनको कसेंगे तो अच्छी तरह से टाइट और स्पष्ट कसे होने चाहिए, ये पहली सावधानी है। दूसरा, परिपथ में धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक लिया जा रहा हो, यानी कि जो हमारे पास सेल है उस सेल से हमें धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं उसका रीडिंग ले रहे हों। और तीसरी सावधानी, धारा मापी की सुरक्षा के लिए शंट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे उपकरण को कोई भी नुकसान न हो, कोई भी फॉल्ट न हो, उसके लिए हम क्या करते हैं शंट का प्रयोग करते हैं। अगला है, तार के सिरे एवं पेंच साफ होने चाहिए, यानी कि जो भी हम तार उपयोग करेंगे उसका सिरा बिल्कुल क्लियर साफ क्लीन होना चाहिए ताकि हमें कोई भी रीडिंग लेने में अस्पष्ट ना हो। इस प्रकार से हमने सभी पॉइंट मीटर सेतु के एक एक करके रीड की है, बहुत सिंपल इसकी लैंग्वेज है, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। जय हिंद जय भारत।